बराबर। चलो पे अटेंशन, फॉर्मूला लिस्ट है, ओपन करो सामने फॉर्मूला अपना जो कल लिखा था, फॉर्मूला लिस्ट एक ही फॉर्मूला था आएगा उसमें, बराबर उसके बाद पेजेस छोड़ेगा तुमने, फॉर्मूला स्टार्ट कर दे जाएगा, ठीक है। ये देखो सब लोग, कितना क्वेश्चन मैंने बोला, पे अटेंशन एवरीवन। मेरे को तो लास्ट पावर क्या आएगा, एंड पावर क्या आएगा, एंड पावर क्या आएगा, पहला पावर वन है, दूसरा पावर थ्री है, तीसरा पावर फाइव, कैसे डिसाइड करते हो एन प्लस एन एक्स माइनस वन, टू एन माइनस वन, हाँ टू एन माइनस वन, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर्स का एंथ टर्म होता है टू एन माइनस वन, और इवन नंबर्स का एंथ टर्म होता है टू एन, याद है ना सीक्वेंस वाला, ये है टू एन माइनस वन। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आते ही सबसे पहले चेक करने का जीरो बाय जीरो है कि नहीं है, हर क्वेश्चन में यही करना है, नहीं होगा तो अच्छी बात है बट रहेगा ही मोस्टली। ये क्या है एक्स, यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स है, स्कूल भी बोल रहे थे टू एन माइनस वन पावर है, टर्म्स कितने, एन टर्म्स है, कितने टर्म्स है, सब में वन डाल दो एक्स की जगह, वन वन क्यूब वन रेस्ट सब वन ही आने वाले, कितने बनाएंगे ऐसे, एन वन प्लस वन तीन बार करूंगा तो थ्री होता है, कुछ करना पड़ेगा ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, ये राइट की करोगे देखो, खाली लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू फाइव प्लस डॉट 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 एक्स रेज टू टू एन माइनस वन माइनस एन को वन प्लस वन ऐसे एन टाइम्स लिखा तो चलेगा क्या, कितने एन है वो एक ही एन है ना, मतलब बेसिकली वन प्लस वन एन टाइम्स लिखा मतलब सेम ही हो गया ना, अपॉन क्या एक्स माइनस वन, इतना समझा क्या। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, केयरफुली ऑब्जर्व करना सब लोग, अगर ये माइनस साइन ओपन किया सारे वन नेगेटिव हो जाएंगे, कितने वाले वो एन वन है, कितने वाले मेरे पास, और ये भी एन टर्म्स है ना, मैं हर एक को एक एक वन दे रहा हूँ, मैं हर एक को एक एक वन दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा एक्स माइनस वन प्लस, उसका आंसर क्या एक्स क्यूब माइनस वन प्लस क्या फाइव माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते करते लास्ट क्या आएगा टू एन माइनस वन माइनस वन, सब वन खत्म हो गया, हाँ है ना, कुछ बचेगा वन एक्स्ट्रा तुम्हारे पास या कुछ कम पड़ेगा तुमको, एग्जैक्ट उतने ही वन थे बराबर, अपॉन क्या। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बीच में कौन सा साइन है देखो, तो मैं अगर स्प्लिट कर दू तो एक्स माइनस वन सबके पास जाएगा, हाँ है ना, चलो सबके पास भेज देते हैं x माइनस वन अपॉन प्लस x क्यूब माइनस वन अपॉन प्लस x रेज टू फाइव माइनस वन अपॉन वेरी गुड प्लस डॉट 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 x रेज टू माइनस वन अपॉन। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो कैंसिल आउट हो गया, सीधा क्या बचा वन, ये ऑब्जर्व करिए इधर एक कुछ तो गायब है, वरना तो ये फॉर्मूला बन गया था, क्या गायब है सोचो, वन को क्यू वन आर देता हूँ, मैं खुद से दे देता हूँ ना, अब ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला एक्स रे स्क्वायर माइनस ए रे स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, क्या आएगा उसका आंसर बताओ, थ्री इंटू वन का एक्स नहीं वन, वन का स्क्वायर डेरिवेटिव नहीं है ये, समझ गया, प्लस इधर भी क्या चाहिए फॉर्मूला बन गया बोलो, फाइव इंटू वन का पावर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में इधर क्या चाहिए कुछ भी हो गए तो आंसर क्या होता है, अच्छा ओके टू एन माइनस टू का तो क्या बचा मेरे को, वन प्लस वन स्क्वायर वन वन इंटू थ्री प्लस तुम लोग बताए इसके बाद क्या आने वाले सेवन, ऐसा करते करते लास्ट क्या आएगा 2n minus 1, ये सारे odd terms का addition है, कितने odd terms है ये, n odd terms, कितने odd terms है, n odd terms का addition क्या होता है, n odd terms का addition 2, वो even terms का होता है,
n into n plus 1 even terms का होता है. ऐसे टू एन होगा, तू ही सोच. टू एन तो ये खुद अकेला टर्म है, इन सब का एडिशन कैसे टू एन हो सकता है? n स्क्वायर कितना होता है? वन से लेके एन तक का एडिशन क्या होता है? n into n plus 1 upon 2. वन स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर तक का एडिशन क्या होता है? n into n plus 1 टू एन प्लस 1 upon 6. वन क्यूब से लेके एन क्यूब क्या एडिशन होता है? n स्क्वायर n plus 1 का होल स्क्वायर upon 1 से लेके आई मीन सॉरी 2 से लेके सारे इवन नंबर्स का एडिशन. 2 plus 4 plus 6 से लेके अप टू 2n तक क्या होता है? n into n plus 1 सारे ऑड नंबर्स 1 plus 3 plus 5 अप टू nth ऑड टर्म मतलब 2n minus 1 उसका होता है n स्क्वायर. क्या होता है? n स्क्वायर. समझा क्या? पक्का? ओके कैसे किया समझा सबको? सॉरी नेक्स्ट देखो इधर सब लोग. सॉरी अभी देखो जरा प्रॉपरली क्या लिखा है. लिमिट z माइनस 8 टू द पावर ऑफ व्हाट? 5 बाय 3 माइनस 2 माइनस 8 टू द पावर ऑफ क्या? 5 बाय 3 अपॉन क्या है? लिमिट जानो ना z की जगह पे क्या डालोगे? 2. क्या हो जाएगा मेरे को बताओ? 2 माइनस 8 टू द पावर ऑफ 5 बाय 3 माइनस 2 माइनस 8 टू द मतलब सेम आ गया ना, तो उसका आंसर 0 हो गया ना. डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बताओ? 0 बराबर. अब ये देखो कॉमन सेंस है, दोनों पावर सेम दिख रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा. हाँ है ना? तो अभी प्रॉपरली देखना मैं क्या कर रहा हूं. लिमिट z टेंडिंग टू 2 ठीक है. पहली बात तो 0 बाय 0 आ रहा है. हाँ है ना? देखो ऐसा करने का ना बहुत सारा वेज है. एक होता है देखो क्या होता है मैं बता देता हूं. ये दूसरा स्टाइप होगा तो बहुत अच्छी बात है. अब वे क्या है मैं तुमको बताता हूँ. सुनो ये z माइनस ए नहीं होना चाहिए था ना, हटा दो z माइनस ए की जगह पे नया वेरिएबल ले लो. आई मीन z माइनस ए की जगह पे एक नया वेरिएबल मतलब x ले लो. क्या ले लो? बराबर है इतना. और 2 माइनस ए की जगह पे नया कॉन्स्टेंट ले लो. क्या? b. y मत लेना, y वेरिएबल के लिए यूज होता है. कॉन्स्टेंट हो रहा ना मैंने. अब क्वेश्चन में z की जगह पे क्या आएगा मेरे को बताओ? x प्लस ए. और क्वेश्चन में ए की जगह पे क्या आएगा? आई मीन सॉरी 2 की जगह पे क्या आएगा? b माइनस. समझा इतना? अब क्वेश्चन पूरा ना चेंज कर देने का. सुनो b प्लस ए. ओके क्वेश्चन ना पूरा चेंज करो केयरफुली देखना. z टेंडिंग टू क्या है मेरे को बताओ? 2 बराबर z की जगह पे क्या आएगा? x प्लस ए टेंडिंग टू क्या? फिर बाद में x की जगह पे क्या आएगा? 2 माइनस ए. 2 माइनस 8 देख के रहो मत, एक उसका नंबर रहेगा ना. हाँ. उसको मैं 2 के साथ माइनस करूंगा तो भी नंबर ही आएगा ना. तो 2 माइनस 8 को ऐसा दो अलग अलग मत समझो, एक ही टर्म ऐसा अज्यूम कर लो. समझ गया? अब क्वेश्चन में देखो लिमिट z टेंडिंग टू 2 था उसकी जगह पे क्या आएगा? x टेंडिंग टू 2 माइनस 8. वेरी गुड. z माइनस a, z माइनस a की जगह पे क्या आएगा? x रेज टू क्या? 5 बाय 3 माइनस 2 माइनस 8. 2 माइनस a की जगह पे क्या? b रेज टू क्या? 5 बाय 3. 5 by 3 परफेक्ट है इतना. हाँ है ना? हाँ. या इसको नहीं भी रिप्लेस किया ना तो भी चलेगा, मत टेंशन लो, उसको रहने दो वैसे ही. 2 minus 8 to the power of क्या? 5 by 3. अब नीचे क्या आएगा सोच के बताना मेरे को, क्या आएगा नीचे? चलो x plus अच्छा ये ना अगर ना मैं क्या आएगा z की जगह पे क्या आएगा? x plus a minus 2 परफेक्ट है इतना. हाँ है ना? अब देखो लिमिट x tending to क्या? 2 minus a x raise to 5 by 3 minus 2 minus a raise to 5 by 3 perfect है. अब according to जो जो अपना formula बनता है, पहला condition 0 by 0, इधर 0 by 0 आ रहा था ना, इधर भी 0 by 0 आएगा, सोचो मत. second condition ऊपर नीचे कौन सा sign होना चाहिए? minus. इधर minus है, हाँ है ना, नीचे करते हैं adjustment. third condition ऊपर power same होनी चाहिए, है क्या? तुम्हारा a कौन है तुमको समझ रहे? वो वाले formula में जो a होता है वो इधर कौन है? 2 minus a. इधर कौन है वो? और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए फॉर्मूले में? x माइनस a. अपने में क्या होना चाहिए? x माइनस ब्रैकेट में क्या? 2 माइनस a. ब्रैकेट में क्या होना चाहिए? x
माइनस, इन दोनों में मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? टू पॉजिटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा, मतलब टू माइनस, देखो फॉर्मूला तैयार, सिर्फ ए की जगह पे गए, मतलब फॉर्मूला रेडी हो गया, हायर है, आंसर बताओ, वेरी गुड, फाइव बाई थ्री, टू माइनस ए का पावर टू बाई थ्री हो गया, दिस इज आंसर, खत्म। दूसरा मेथड, अगर ये स्ट्राइक हो गया ना बहुत अच्छा बात है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, लिमिट z टेंडिंग टू क्या है, z माइनस a का पावर क्या, 5 बाई थ्री, माइनस 2 माइनस a का पावर क्या, 5 बाई थ्री, अपॉन क्या, z माइनस 2 है ना, देखो ये राइट लिख रहा हूं क्या, ब्रैकेट ओपन करो, नीचे करो, बताओ राइट लिखा है क्या, मैं ओपन करो, ओपन करेगा तो ये प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना जो फॉर्मूले वाले कंडीशन है वो सब सैटिस्फाई करके लिख लो, हो रहे ना, खत्म, सीधा आंसर क्या, 5 बाई थ्री, टू माइनस ए का पावर, स्ट्राइक होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बट हो गया तो सबसे बेस्ट है, एल हॉस्पिटल तो उससे भी अच्छा है बट बेसिक्स तो पता होना ही चाहिए, समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, एल हॉस्पिटल से भी कर लेते हैं, ये जीरो बाई जीरो आ रहेगा, बताओ आ रहेगा, जीरो बाई जीरो आया तो क्या बोलता हूँ मैं, न्यूमरेटर और डिनोमेटर को डिफरेंशिएट करने का डिफरेंट अलग अलग पता है ना, इंडिविजुअली, समझ गया ना, तो अगर मैंने इंडिविजुअली डेरिवेट किया, लिमिट z टेंडिंग टू क्या है, टू, डिफरेंशिएट करो, z माइनस ए का पावर 5 बाई थ्री, क्या आएगा, 5 बाई थ्री इंटू z माइनस ए का पावर क्या, अभी किसका डेरिवेटिव, वेरी गुड, z माइनस ए, ये तुम्हारा वेरिएबल कौन है, समझता है, कौन है वेरिएबल, अभी इस क्वेश्चन में x भी रहेगा ना तो भी वेरिएबल z ही है, क्योंकि लिमिट्स में वेरिएबल कौन होता है, जो इधर होता है, इस क्वेश्चन में x भी होगा ना तो x को वेरिएबल ट्रीट नहीं करेंगे हम लोग, x को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट, तुमको याद है मैंने नंबर लाइन बनाया था, एक ही एक्सिस दिया था क्योंकि एक ही वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल होता तो दो एक्सिस देता था मैं, समझ गया क्या बोला मैंने, तो इसमें याद रखना लिमिट्स में वेरिएबल कौन होता है, जो इधर होता है, इधर अगर अल्फा भी आया ना तो भी अल्फा वेरिएबल, फिर अल्फा कांस्टेंट नहीं, समझा क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, तो अभी इसका डेरिवेटिव z माइनस a का, z का a का 0, फिर बाद में डेरिवेटिव कितना, माइनस 2 माइनस ए का पावर 5 बाई 3 क्या आएगा, सब वेरिएबल भरे हुए, अभी बात चल रहा है कौन वेरिएबल है, तो 0 आएगा ना, और अपन में z माइनस 2 का डेरिवेटिव 1, माइनस 2 का 0 और z का 1, समझ गया, कब तक डेरिवेट करने का मैंने बोला था, ऐसा एल ओपिटल कब तक लगाने का, जब तक 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी एलिमिनेट नहीं होता तब तक, एलिमिनेट हो गया, लिमिट डाल दो, बताओ z की जगह पे क्या डालने का, 5 बाई 3, 2 माइनस ए रेज टू, खत्म, ये भी हो गया, समझ गया लोगों को, बट सब बेसिक्स पता होना चाहिए, ये बताने का एक ही, आई मीन ये बताने का एक ही रीजन है, वो साइन वगैरह ट्रिग्नोमेट्री लिमिट सब चालू होगा ना तब तुम लोगों को सबसे ज्यादा यूजफुल होगा ये। अब हम क्या कर रहे हैं मैं तुमको बता देता हूँ, अभी हम लोग अल्जेब्रिक लिमिट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कल जितने भी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से चालू किए, एक बार भी तुम लोग को साइन दिखा गया किधर, टैन दिखा, लॉग दिखा, ये जो कर रहा हूँ ना मैं, इधर देखो सब लोग, एवरीवन कीप अप एंड डाउन, इस तनुश्री देखो राइट है क्या करेगा बता, अरे खड़े मत रहते, बैठ बैठ, स्कूल में थोड़ी अपन, अरे डिसिप्लिन वैसे ही रखना है अपने को, पता क्या करेगा, द वेरी फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू सी द क्वेश्चन ऑफ लिमिट इज व्हाट, you apply the limits and you check whether it is what 0 by 0 or not, ye put kar tumko 2 ka square aata hai, bola to 4, ha very good, congratulations, upar kya raha answer, 6 square karke 4 plus 2 ka 6 aur 3 into 2 ka 6 mere ko aata hai, tu final answer kya raha hai, bol 0.0 aa raha hai, ye check karo 0.0 aa raha hai, z का स्क्वायर 4
फोर प्लस टू सिक्स इंटू माइनस सिक्स करेंगे फिर जीरो हो जाएगा, तो जीरो पॉइंट जीरो आ जाएगा। ये जो है ना ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, अभी हमने जितने भी समझे ना फॉर्मूला बेस्ड थे। ये जो है ना ये इसको बोलते फैक्टराइजेशन लिमिट, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशन लिमिट है। अभी भी अलजेब्रा है, देखो अभी भी पावर्स ही है, वो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है क्या, अभी भी हम लोग अलजेब्रा ही करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री बता दूंगा मैं। दिस इज नाउ आल्सो व्हाट अलजेब्रा लिमिट, और इसको बोलते फैक्टराइजेशन लिमिट, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशन। अब ऑब्जर्व करो, जीरो बाय जीरो आ रहा है ना, अपना काम ही वो है ना कि जीरो बाय जीरो को एलिमिनेट करना है, बराबर ना। प्रॉपरली देखना पड़ेगा, ये है ना क्वाड्रेटिक, पता है तुम लोग को। अपॉन फैक्टर्स बताओ, जेड माइनस थ्री, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए था जेड माइनस टू कैंसिल होना चाहिए, पर मैंने तुमको बताया याद है, अगर जेड टेंडिंग टू टू रहेगा तो जेड माइनस टू कैंसिल होना चाहिए, एक्स टेंडिंग टू माइनस वन रहेगा तो कैंसिल क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वन, एक्स टेंडिंग टू माइनस वन बोला मैंने, एक्स प्लस वन। y tending to 4 रहेगा तो कैंसिल क्या होना चाहिए, y tending to 0 रहेगा तो कैंसिल क्या होना चाहिए, y y minus 0 जगह y, बराबर ना, कुछ कैंसिल हो गया क्या, एग्जाम में बताया ना क्या करना है, z minus z is tending to 2, z is not equal to 2, सब लिख लेना, समझ गया ना। जो बचेगा ना उसमें लिमिट डालो, कुछ टेंशन मत लो। ये क्या आएगा, 2 minus 1 1, 2 minus 3 minus 1 is equal to क्या है, ओके खत्म। मैं ना एक काम कर रहा हूँ, मैं ना आज के लेक्चर में और अगले वीक के लेक्चर में खत्म करने का ट्राई कर रहा हूँ, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा कॉलेज का जो एग्जाम है बाद में अपन सब करेंगे, फ्लेज में एमसीक्यू शॉर्टकट वगैरह, ठीक है, अभी के लिए फोकस करते हैं। इतना समझा गया, देखो क्वाड्रेटिक वगैरह तुम लोग को आ जाता है, अब प्रॉब्लम की तरह मैं बताता हूँ। उठाओ लिमिट क्या आएगा मेरे को, इसका आंसर नीचे क्या आएगा, माइनस टू का क्यूब कितना होता है, माइनस एट, बराबर, और फोर इंटू माइनस टू प्लस एट हो जाएगा, माइनस एट प्लस एट जीरो, बराबर है। ऊपर लिमिट डाल दे, माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस ट्वेल्व सिक्स, एट इंटू माइनस टू समझ गया, सो दिस इज जीरो बाय जीरो, यस और नो, कुछ तो करना पड़ेगा। अब सोचो क्या करोगे, ऊपर क्वाड्रेटिक है, अपने बात है ना क्वाड्रेटिक, बताओ ऊपर क्या लिखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस टू, हाँ बोलो, एक्स प्लस टू, अच्छा क्वेश्चन देख के बताओ कैंसिल क्या होना चाहिए, एक्स प्लस टू कब होगा पता नहीं बट होना तो चाहिए, अपॉन में नीचे क्या करोगे, वेरी गुड, एक्स कॉमन, अगर एक्स कॉमन लेगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, अभी तुम लोग को पता है क्या करना है, फोर को लिखेंगे टू स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तुम लोग कर लोगे, फिर एक्स प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, द मोमेंट एक्स प्लस टू कैंसिल हो गया जो बचा उसमें लिमिट डाल देना, समझा गया। देखो क्वाड्रेटिक वगैरह तुमको आ जाता है, डिफिकल्ट क्या होगा मैं बताता हूँ, देखो, अरे नहीं रे बाबा कौन बोल रहे बार बार, एक बार इग्नोर किया तो पहले सब्जेक्ट किससे कोई बोल रहा है, अलजेब्रा ही कर रहे हैं अभी तक, रुक जा टाइम है उसको। इसका आंसर क्या देख जरा, अभी लिमिट डालो और देख इसका आंसर क्या है जल्दी, ऊपर इसका देखना आंसर बराबर बोल रहेगा, 15 15 एक और चांस दे रहा हूं, रॉन्ग बोला ना, 15 ही पहले ये बोल रहा है, मैंने चेक किया 15 ही है, 15 ही है, कितना है 9 9 3 21 36
देखो 0.0 आ रहा है, दिस इज 0.0, कुछ करना पड़ेगा ना, ये पक्का 15 आ रहा है ना, तो बोलेगा सब। देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ प्रॉब्लम इधर आता है, सुनो तुमको ना, मेरे ख्याल से मेरे को पता नहीं, मैंने बताया तुमको आता है कि नहीं पता नहीं, क्यूबिक शायद तुमको सॉल्व करने को नहीं आता है, वेरी गुड, चलो अपॉन वाला तो सॉल्व करने का हो जाएगा, चलो उसके बारे में बाद में सोचते हैं। सबसे पहले ना मैं क्यूबिक सॉल्व कर रहा हूँ, क्यूबिक मतलब क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 15, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, अब क्या करने का बताए, फैक्टर्स ढूंढने का, क्या करने का, इस देखो ये क्यूबिक है ना, क्वाड्रेटिक में कितने फैक्टर्स आते हैं, क्यूब क्योंकि पावर 2 है, डिग्री 2 है, लीनियर में एक ही फैक्टर आता है, लीनियर समझते हैं, डिग्री 1 का इक्वेशन, x का एक ही वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक में x के दो वैल्यूज आते हैं, क्यूबिक में x के 3 वैल्यू, ये क्यूबिक है ना, तीन में से एक वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं हम लोग यूजुअली क्या टेक्निक यूज करते हैं, 1 पुट करते हैं, तुमने स्कूल में किया है ये, एक्चुअल डिवीजन बोलते हैं इसको, सॉरी सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं, एक्चुअल डिवीजन मतलब वो पूरा डिवाइड होता है, सिंथेटिक डिवीजन उसमें क्या होता है बताए, एक 1 हम लोग पहले डालते हैं, चेक करते हैं 0 आ रहेगा, 1 नहीं आता तो हम क्या डालते हैं, -1, चेक करते हैं 0 आएगा, इधर मत यूज करो, मैं तुमको एक निंजा टेक्निक देता हूं, फॉलो करना, 10 × 2 जो रहेगा ना वही रहेगा, क्योंकि उसी से तो 0 आया था, नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो 1 − 1 = 2, ये सब स्कूल ओल्ड टेक्निक्स है, ये सब फॉलो नहीं करना अपने को, इससे 0 आया था ना, एक वैल्यू यही रहेगा, तुमको समझा, तो इसको लिखते कैसे बताया ना, ऐसा ऐसा कभी देखा है डायग्राम, हाँ इधर अंदर क्या लिखते हैं, इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, कोएफिशिएंट्स 1 − 3 − 5 − 15, इधर जो फैक्टर्स मेरे को पता है, और ये 1 ऐसे भी इधर बराबर ना, वैसा पढ़ाई की नहीं पढ़ाई कभी, अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर देखो क्या करने का मैं बताता हूँ, ये क्यूबिक है, क्यूबिक मतलब 3 ब्रैकेट बनते हैं, क्वाड्रेटिक में किसे 2 ब्रैकेट बनते हैं, क्यूबिक में 3 बनने चाहिए, ठीक है, अब 3 बनने में से ना क्यूबिक में एक प्रॉब्लम आता है कि तुमको ना एक फैक्टर पता होना चाहिए, अब एक फैक्टर पता होना चाहिए मतलब वो फैक्टर को अगर मैं पुट करूंगा लिमिट में आंसर 0 आना चाहिए, समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं, तो एक फैक्टर मेरे को पता है जिसको मैं पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, समझो नहीं पता होता तो यूजुअल टेक्निक है, पहले 1 डाल के देखने का 0 आ रहेगा, फिर डालने का -1 0 आ रहेगा देखने का, फिर डालने का 2, फिर डालने का -2, ये 4 में आंसर आ ही जाता है, बट लिमिट के क्वेश्चन में ये सब नहीं पुट करने का, जो लिमिट रहेगा वही पुट करने का, समझा, फिर ये ऐसा बनाया मैंने, इधर लिखने का उसके कोएफिशिएंट्स 1 − 3 − 5 और −15, समझा इतना पक्का, ये वाला वैल्यू ऐसे ही सीधा लिख देने का, और इधर वो फैक्टर, अब 3 × 1 = 3 इधर लिखने का, −3 + 3 कितना, 3 × 0 = 5 + 0 = 3 × 5 = 15 −15 + 15 ये 0 आना ही चाहिए, ये 0 आ गया नहीं आया तो समझ लेना रॉन्ग कर दिया, समझा, क्या हो गया तेरे को, ये ऐसे ही मेरे को 1 0 का ऐसे ही लिख दिया मैंने मन से, नींद में क्या 3 × 1 = आता है ना, तो वो लिख दिया, −3 + 3 कितना होता है 3 × 0 = 0 लिख दिया, 5 + 0 इधर प्रॉब्लम हो गया, 3 × 5 = देख के बोलना चलेगा, −15 + 15 समझा, अब क्या करने का बताता हूँ, x का एक वैल्यू क्या आया, x = 3 ना, 3 उधर आ गया तो क्या हो जाएगा, तो इधर एक ब्रैकेट में लिखने का x − 3, क्या लिखने का, तुमको समझा ये सब टेक्निक्स, क्या लिखने का x − 3, अब ये है ना ये, हाँ इसको क्वाड्रेटिक बनाने का, क्या बनाने का, पहला वन है मतलब x², इधर 2 होता तो 2x², इधर 7 होता तो दूसरा टर्म कौन है 0x, 0x मतलब नहीं लिख रहा हूँ, और तीसरा टर्म +5 हो गया, तुम इसको ओपन करके देख लेना ये क्या आने वाला है, समझा, क्वाड्रेटिक के भी जो दो फैक्टर थे उसको ओपन करके तो वापस वही क्वाड्रेटिक बनता है, आया ना, खत्म सिंथेटिक डिवीजन, ये एक्चुअल में तुम्हें पढ़ के आने चाहिए थे, जाने दो छोड़ो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अब इसको सॉल्व करते हैं, x² + 9x − 30, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक है, फैक्टर्स होता है, लिमिट में डालो, लिमिट x → 3, ऊपर क्या x³ − 3x² + 5x − 15, उसकी जगह पे क्या
x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन क्या x प्लस ट्वेल्व कैंसिल हो गया जो बचा लिमिट डालियो ये यूजुअल टेक्निक है जो तुमको 11 के पेपर में सॉल्व करने का समझ गया तुम लोग माइनस टू है वो ये शोर है ना माइनस टू आ जाएगा उसका आंसर हाँ ठीक है प्लस 24 आएगा बराबर परफेक्ट समझा ये ऊपर भी क्यूबिक है ऊपर भी सिंथेटिक क्यूब में लगेगा नीचे भी ये तुम लोग ट्राई कर पाओगेगा एक मिनट मैं फिर से ना इसका रीकैप दे देता हूँ इधर क्या करना है पता है इधर सबसे पहले क्या एक फैक्टर अपने को पता होना चाहिए जिससे क्यूबिक का आंसर क्या आना चाहिए जीरो तो लिमिट वाले लेना अगर जीरो बाय जीरो आ रहे तो डायरेक्ट लिमिट वाले जीरो बाय जीरो नहीं आ रहा ना तो लिमिट वाला नहीं ले सकते फैक्टर वही होता है जिसमें आंसर जीरो आना चाहिए बराबर ना फिर बाद में ये पहला टर्म ऐसे ही लिख देने का और ये मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएगा समझ गया लास्ट टर्म जीरो आएगा अभी लिमिट जब डालेगा तो जीरो आएगा ही जीरो नहीं है तो कट करो वापस चालू करो ये अगर फैक्टर है तो जीरो आएगा ही ऊपर जीरो नहीं आता है देखो ना ऊपर जीरो नहीं आता इससे भी नहीं है इससे भी नहीं आ रहा एक मिनट रुक जाएंगे माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 माइनस 24 माइनस 24 और माइनस 12 माइनस 36 अमन यू हैड वन जॉब प्रोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है सबसे वही रहा से ए ट्राई कर लोगे अभी अब आएगा जीरो अब कर लोगे आगे चलो कहां पे लग जाओ सब लोग इधर देखो सब लोग एवरीवन पे अटेंशन मैं एरो डाले बाद में कर लेना ये कर दो इधर देखो रे ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो सब लोग देखो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक सेम होगा लिमिट डालो मेरे को बताओ क्या आ रहा है वन अपॉन जीरो आएगा पहला मतलब इन्फिनिटी और उधर भी आएगा देखो समथिंग अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डिटरमिनेंट फॉर्म मेरे को नहीं पता कौन किसका बड़ा वैल्यू है अब क्या करोगे मेरे को बताओ सबसे पहले देखो क्वेश्चन लेके बता दो क्या कैंसिल होना चाहिए कब होगा मेरे को नहीं पता बट होना तो चाहिए कभी मत लो पहले क्या करो बताए पहले ना कुछ कॉमन वगैरह होता है तो देखो वो 27 है ना उसको 3 क्यूब लो बराबर बोला तुमने 3 क्यूब ले लो अब वो नीचे बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब उसका पहला टर्म आएगा ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा उसके बाद एलसीएम नहीं समझा क्या समझाना पहला स्टेप इधर देखो तुमने जो बोला वो फॉलो करते हैं देखो जब तक x माइनस थ्री कैंसिल नहीं होगा तब तक करते जा रहे अपने को इसमें तो कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है माइनस 9x अपॉन x क्यूब माइनस 27 ना 27 को लिखेंगे 3 का अभी x क्यूब माइनस 3 क्यूब हो गया व्हिच इज इन फॉर्मूला इज व्हाट एक मिनट रुक जाओ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इस अच्छा ओके तो बी स्क्वायर लिख रही पहले प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 9 है और ए बी 3x है समझ गया कुछ कॉमन है क्या इन दोनों में अभी हाँ ए मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ये याद रखना वन अपॉन कॉमन लेके लिमिट के बाहर मत डालना
जब तक एक्स है तब तक लिमिट के बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर कॉन्स्टेंट है ना इधर टू, वो बाहर आ सकता है लिमिट के। जिसके पास एक्स नहीं है ना उसको तुम बिंदास बाहर ले लो चलेगा, बट जिसके पास एक्स है उसको तुम बाहर नहीं ले सकते। लिमिट का आंसर फाइनल में पुट करने के बाद एक्स आता है क्या? तो एक्स आना ही नीचे। तुम लोग को समझा? पक्का याद रखोगे? कॉन्स्टेंट को बाहर ले सकते बट एक्स वाले को बाहर ले सकते क्या? अंदर क्या बचेगा? वन माइनस नाइन एक्स अपॉन प्लस नाइन प्लस, चलो इतना हमने कर दिया। अब क्या करोगे? अब लो एलसीएम। अगर मैंने अभी एलसीएम लिया तो क्या आएगा बताओ? लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या? थ्री। वन अपॉन क्या? एक्स माइनस थ्री। चलो ले लो एलसीएम, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन एक्स अपॉन व्हाट? हाँ चलेगा, यस वेरी गुड। ऊपर ऑब्जर्व करो बधो, वो माइनस सिक्स एक्स हो गया। फिर क्या? पास करो। हाँ इधर देखो सब लोग। हाँ क्या कर रहे थे अपन? हाँ ऊपर क्या? थ्री एक्स माइनस नाइन एक्स क्या? एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स क्या होता है? एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर। समझा तुम लोग को? अपॉन ऊपर क्या हो गया? एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन। ये क्वाड्रेटिक वगैरह मत निकालो। ये जो टर्म है ना, ये टर्म वो तुमको टेंशन नहीं देगा। अब ये बात नहीं करेगा तुम्हारे साथ। टेंशन नहीं देगा का मतलब समझा क्या? हाँ, तो जिसका भी आंसर जीरो नहीं होता ना उस ब्रैकेट में तुम लोग लिमिट डाल सकते हो। जिसका भी आंसर जीरो नहीं होगा उस ब्रैकेट में तुम लोग लिमिट डायरेक्ट डाल सकते हो। समझ गया क्या बोला मैंने? इस ब्रैकेट में हम लोग डायरेक्ट लिमिट डालेंगे। सर ऐसा डाल सकते क्या? एक पूरे ब्रैकेट में डाल सकते हैं। तुम इधर डालोगे और इधर नहीं डालोगे ऐसा नहीं चलेगा। ये प्लस है ना, इधर डालो तो इधर भी डालना ही पड़ेगा। इस पूरे ब्रैकेट में डालेगा, इसमें नहीं डालेगा तो चलेगा, क्योंकि अलग अलग ब्रैकेट्स है ना। बट अगर दोनों के बीच में प्लस या माइनस है तो एक में डालना तो दूसरे में डालना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ कैंसिल हो गया? और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना। लिमिट डाला तो ऊपर क्या आएगा? जीरो। हाँ अभी भी जीरो है। अच्छा नीचे क्या रहा लिमिट डालने के बाद? तो फाइनल आंसर 0.27 ना। 0.27 मतलब जीरो। मैं कभी बोला क्या जीरो नहीं चलेगा? मेरे को जीरो चलेगा, मेरे को अपॉन में जीरो नहीं चलेगा और जीरो अपॉन जीरो नहीं चलेगा। समझा गया? तो इसका फाइनल आंसर क्या? जीरो अपॉन इज इक्वल टू क्या? कैसे करने का था समझा क्या सबको? पक्का श्योर है? इधर देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और एक कर देता ऐसे टाइप का, केयरफुली देखना। ये समझ गया ना सबको? अच्छा क्यूबिक कैसे सॉल्व करते हो समझ गया, ये कैसे सॉल्व करते समझ गया, और एक देख लो सब लोग इधर। ये माइनस वन, पर इधर देखो जीरो आएगा। वन स्क्वायर वन, वन माइनस वन समथिंग अपॉन जीरो इनफिनिटी। वन क्यूब वन, वन टू इंटू वन टू प्लस वन थ्री और ये माइनस थ्री। सो दिस इज अगेन नीचे जीरो आएगा तो वापस इनफिनिटी। अब वापस इनफिनिटी माइनस, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे मेरे को बताओ? सबसे पहला काम क्या? किधर से क्या? स्टेप बाय स्टेप ना, आराम आराम से करो। तुम लोग ना घाई मत करो, ठीक है? इन दोनों में क्या कॉमन है ले लो, एकदम बाहर मत लेना, वो खाली इसी ब्रैकेट में। समझ गया? तो उतना तुम लोग को सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। केयरफुली देखना मैं जो कर रहा हूँ, सब लोग पे अटेंशन। कोई भी इधर उधर दिखा रहा मेरे को भटके हुए, उतना मारूंगा ना, याद रखोगे। क्या कॉमन है? एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या आएगा बताओ? वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। इतना समझा? माइनस वन अपॉन, अब उसमें क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है ना, मैं एक्स कॉमन ले लेता। मेरे को बताओ अंदर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये क्वाड्रेटिक।
डायरेक्ट कर लेते हैं, बोलो फैक्टर्स मैं क्या है बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू क्या आएगा फैक्टर, x माइनस टू एक्स माइनस वन वेरी गुड। चलो तुमने बोला सर ये सब करो, देखो क्या होता है जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना, पिछले वाले स्टेप से ये वाला स्टेप अच्छा दिखना चाहिए, दिस इज व्हाट सिंप्लीफिकेशन मींस, बराबर सिंप्लीफाई कर रहे हो ना, अच्छा दिखने का ट्राई कर रहे हो उसको, समझ गया। अब अगला स्टेप क्या, एक मिनट बाहर ले लू क्या लिमिट के, नहीं लिमिट के बाहर नहीं, वन अपॉन क्या कॉमन एक्स, अब ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे को बताओ, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, एक मिनट एक मिनट, कैंसिल क्या होना चाहिए, आ गए कहीं से न्यूमेरेटर में आ गया काम खत्म, हाँ वेरी गुड, क्या करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, वन अपॉन एक्स माइनस वन, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर, उसको ओपन भी कर दो, मैं क्या बोल रहा हूँ और इसी करके दू x माइनस टू द होल स्क्वायर, माइनस क्या था तुम लोगों को समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, वरना क्या होता पता, ब्रैकेट ओपन करते फिर क्वाड्रेटिक बनता फिर फैक्टर्स ढूंढते, उससे अच्छा ये बेटर है। अब ये क्या होगा पता होगा सबको, ए प्लस बी ए माइनस बी, बताओ डायरेक्ट x माइनस टू माइनस वन x माइनस थ्री, x माइनस टू प्लस वन अपॉन क्या, जो बचा लिमिट, समझ गया कर लोगे सब, हम पहले